नूर, मैं समझ सकता हूँ कि अम्मी के रवैये से तुम्हें तकलीफ पहुंची है और तुम नहीं रहना चाहती यहाँ, और दूसरी तरफ अयाज ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये तुमसे फौरी तौर पर निकाह करना चाहता है। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी का एहसान लेना चाहती। मुझे नहीं करनी किसी से शादी। मैम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे अकेले में दो मिनट बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नूर, बात तो सुनो मेरी एक मिनट के लिए। जो बात भी करनी थी अंदर भी कर सकते थे ना, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। और मैं बता रही हूँ, मुझ पर रहम खाने या हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी शक्ल देखी है इन्हें, तुमसे हमदर्दी करके मरना है क्या? एक तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन जब बोलने पे आती हूँ ना तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती हूँ। हाँ तो फिर ठीक है ना, अगर इतनी बदतमीज हो तो क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? अच्छा सवाल हो तो तुम बड़ी लड़ाका, लेकिन इस पागल को सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। मैंने मुफ्त में पागलों को समझने का ठेका नहीं लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पागल को तुम दिलो जान से अपना लो। जो प्यार मुझे जिंदगी भर नहीं मिला, मुझे लगता है तुम दे सकती हो मुझे। वो कैसे? वो ऐसे है कि इस पागल को इस पगली से प्यार हो गया। मुराद खालू के घर खड़ूस रहता था, अयाज नाम था उसका। वो कहाँ गया? फौत हो गया।